अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच और पहला दिन हो गया है बारिश की नज़र। तो जब पहले दिन का खेल था वो कॉल ऑफ हो गया है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, वो कहते हैं ना कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो वो वाला सिस्टम हुआ हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जो वीडियोस वगैरह मैं ये शेयर कर देता हूँ, आप देख लें कि कोई उधर खेल का इम्कान लग नहीं रहा। और हो सकता है दूसरे दिन भी ये ना कर सकें, उसको खेल को जारी ना रख सकें। बात कर लेते हैं जो ये दूसरे टेस्ट में, पहले टेस्ट में जो हजीमत पाकिस्तान को, जो लानत खटी है पाकिस्तान ने, उसके बाद ये जो दूसरा टेस्ट है इसमें जो टीम वो उतार रहे हैं पाकिस्तान की, जो 12 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है उसमें शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील जो है वाइस कैप्टन है, बरार है, मोहम्मद अली है, सलमान अली आगा है, एम अयूब है, बाबर आजम है, मीर हमजा है, मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, खुरम शहजाद है और नसीम शाह है। तो देखते हैं कि 11 खिलाड़ी कौन से फील्ड होते हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है, अमर जमाल को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे, हालांकि उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जब वो सिडनी में भी उसने मारा था ठीक ठाक ऑस्ट्रेलिया को, चांस बन गया था पाकिस्तान का टेस्ट मैच इवन जीतने का, और उसमें विकटें भी उसने ली थी और अच्छी खासी बॉलिंग भी करवा लेता। और अमीर हमजा तो हर स्विंग बॉलर है और उसको खिलाना चाहिए था पहले टेस्ट में भी। अब ये जो पिच है, ये पिच का भी आप देख लें, ग्रीन टिंट वाकया वाजिया नज़र आ रहा है पिच के ऊपर। और आई होप कि ये आप पिच को रीड रॉन्ग ना करें कि वो बाद में पता चले फिर के वाजर महमूद ने जिस तरह पहले मैच के बाद बयान दिया था कि लग रहा है ये पिच जो है जिस तरह से हम लोगों ने उम्मीद की थी उस तरह से बिहेव नहीं कर रही। ये नहीं कहा कि ये कहा कि पिच रीड अच्छी नहीं की, ये कहा कि वो बिहेव नहीं कर रही जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना इज़ ए वेरी वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि उसकी टेस्ट में वैसे भी एवरेज बहुत ही गंदी है। वसीम और वकार जो एवरेज पे बॉल करवाते थे वो 20, 21, 22, 23 पे वो बॉलिंग करवाते थे। इमरान खान का भी यही हाल था कि वो बहुत अच्छी एवरेज पे बॉलिंग करवाता था पर विकेट। अब इसकी एवरेज जो है वो 40 से भी ऊपर है, खासतौर पे 2024 में इसका कोई हाल नहीं है। तो अच्छी बात है इसको रेस्ट दिया गया। जैसन ग्रेस्पी ने भी कहा है कि हम लोगों ने उसके साथ प्लान वगैरह डिस्कस किए हैं और अच्छा है, उसको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए ताकि जाके वो अपने बच्चे के साथ जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले। लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही गंदी रही है। जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें भी जो उसने 80 रन दे के 2 विकेटें ली हैं, वो आखिरी जो बैट्समैन थे उन्हीं की विकेटें थी जो टेलेंडर होते हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान को, ये रावलपिंडी वगैरह के जो वेन्यू हैं ये चूज़ एहतियात से करने चाहिए थे। ये बरसात का मौसम है और ये महीने जो हैं ये खास तौर पे होते ही इस तरह के हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बड़ा स्ट्रेंज सा डिसीजन है कि इधर इन्होंने मैच करवाने का फ़ैसला किया है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो कराची में भी ये करवा सकते थे मैचेस, ये बांग्लादेश के साथ भी इवन, लेकिन चलें वो देखते हैं कि ये अब मैच होता है या नहीं होता है, या होता है तो कितने दिनों का चलता है और वेदर पाकिस्तान वापस आता है सीरीज़ में या नहीं आता। वैसे बांग्लादेश की टीम में ये है कि शकीबुल हसन जैसा जो बंदा है वो ऑलरेडी है। हमारे जो ऑलराउंडर के तौर पे खिलाते हैं वो सलमान अली आगा को खिलाते हैं। सलमान अली आगा इज़ ए ज़ीरो प्लेयर, वो उस वक्त परफॉर्म कर जाएगा जब पाकिस्तानी टीम बिल्कुल हारी होगी, लेकिन जो ही क्रंच सिचुएशन आती है ये बंदे टांगे निकाल जाते हैं, ये जवाब दे जाते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी जगह पे किसी अच्छे ऑलराउंडर को खिलाएं, पता नहीं उसकी क्या सिफारिश है, किधर से वो आया है, बहरहाल कोई अच्छा उसका पावा है। तो ये न्यूज़ है मिडल से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट मैच था उसका रेन की वजह से पहला दिन तो कॉल ऑफ हो गया है और शाहिन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है।
बड़े बड़े पंखे इन्होंने लगाए हुए थे आज सुबह जब मैच शुरू होने से पहले कि ग्राउंड को खुश कर लें, लेकिन वो ग्राउंड को खुश क्या करना था, फिर बारिश शुरू होगी बहुत ज़्यादा। पहले ये हेलीकॉप्टर के जरिए होता था, अब बड़े बड़े पंखे लगा करते हैं। तो वैसे अच्छा है क्योंकि वो पिच को ही सुखाना है तो वो सूख जाए पिच तो अच्छी बात है, लेकिन वो बारिश रुकी तो तब है ना आगे अगली बात। तो ये अभी तक की आज की अपडेट थी पहले दिन की पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और फिर हाजिर होते हैं इंशाल्लाह दूसरे दिन के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग आवर चैनल, और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।